गिवन सर्किट पीएन जंक्शन डायोड विच इज करेक्ट। अगर एक प्यारे बच्चों हम लोग पास डायोड है तो उसमें से इसमें से कौन सा सही होगा। डायोड एक रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है और ये बताया नहीं गया कि डायोड आइडियल है या नहीं है, तो मैं आइडियल लेके ही चलूंगा जब तक तुम बताओगे नहीं। तो आइडियल के केस में इस डायोड का रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा फॉरवर्ड बायस में और इन्फिनिटी हो जाएगा रिवर्स बायस में, बराबर है। तो इन द गिवन सर्किट पी एन जंक्शन विच इज द करेक्ट इन फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, एक चेक कर लेते हैं। जब ये फॉरवर्ड बायस में होगा तो इसकी रेजिस्टेंस जीरो होगा और ये रेजिस्टेंस आर होगा, तो ये सर्किट मुझे कुछ ऐसे दिखेगी। तो ये रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस जीरो लगा दी, एक वायर कनेक्ट कर दिए और ये रेजिस्टेंस आर है और ये प्लस माइनस वी वोल्ट की बैटरी लगा दिए। तो ये जब वी वोल्ट की बैटरी है तो ये पूरी की पूरी वोल्टेज तो इसके अक्रॉस ही तो अपीयर होगी, ड्रॉप होगा। 10 वोल्ट लगाए थे तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10 वोल्ट ही आ जाएगा, क्योंकि इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस जीरो है। तो फॉरवर्ड बायस में अगर वी वोल्ट लगाए थे तो वी वोल्ट इसके अपीयर होगा, मतलब पहला ऑप्शन ही सही है। अगर रिवर्स बायस में वोल्टेज देखोगे तो रिवर्स बायस में एक तो ब्रेक डाउन यहाँ पर ब्रेक कर जाएगा, या रिवर्स बायस में सर्किट ऐसे दिखेगी, रिवर्स बायस में टूटी हुई दिखेगी सड़क, ये जो सड़क थी ना वो गड्ढे दिखेंगे, टू वी वोल्ट है। तो इसमें करंट तो कुल मिला के जीरो फ्लो होगा ना, तो ये रेजिस्टेंस आर है तो करंट जीरो फ्लो होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस इसमें होगा ही नहीं यार, तो ये तो बिल्कुल गलत है। फॉरवर्ड बायस में टू टाइम्स कैसे वोल्टेज, जब तुम्हारे पास वी वोल्ट है तो टू टाइम्स वोल्टेज कैसे, तो गलत है। चलो नेक्स्ट, वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो। ट्रांजिस्टर है वो इस